नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अक्टूबर में क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, कहाँ पे, रशिया में। ठीक है, 1917 में अक्टूबर के क्या क्या रेवोल्यूशन देखने को मिला है, आइए इसको देखते हैं। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोनसेल्विक क्रू, जैसे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट और ब्रोनसेल्विक एक ग्रुप था, एक संगठन था, उन दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगा। लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को ये डर था कि कहीं ना कहीं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो तानाशाही सरकार चलाने लगेगी, तो एक कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगा। इन सेप्टेम्बर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसीलिए वो क्या है अब डिस्कशन करने लगे थे, बातचीत करने लगे थे, बहस होने लगी थी कि कैसे एक अपराइजिंग क्रिएट हो रहा है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट खिलाफ, सरकार खिलाफ। बोल्शेविक सपोर्टर इन आर्मी, वीडियो ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो बार बार, बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वेयर ब्रॉट टुगेदर। क्या है, बोल्शेविक जो है किसको सपोर्टर्स किसमें थे, आर्मी में थे, सोवियत में भी थे उस ग्रुप में भी, और साथ ही साथ जो है फैक्ट्रीज में भी, हर जगह पे उनके सपोर्टर्स बोल्शेविक के ग्रुप को मिल जा रहे थे। इन अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 को लेनिन परस्यूड द पेट्रोग्रैड सोवियत एंड द बोल्शेविक टू एग्री टू सोशलिस्ट साइजर ऑफ द पावर, और फिर क्या कहते हैं, एक बातचीत हुई। बेटा बार बार वीडियो ऑन ऑफ क्यों हो रहा है अभी, फिर जो एक बातचीत हुई, जो बातचीत हो रही थी, पेट्रोग्राड सोवियत जो एक संगठन था जिसमें जो है मिल करके डिस्कस करके एक सरकार बनाई गई थी, वो बोल्शेविक पार्टी सब लोग साथ मिल करके बात किए, लेनिन भी थे, और वो सब तैयार हुए किसके लिए, एक सोशलिस्ट वे में, एक सोशलिस्ट सोशलिज्म वे में, ठीक है, सामाजिक तौर पे एक सरकार की पावर को लिमिट किया जाए, ठीक है, नई तरीके से दिखाया दर्शाया जाए कैसे पावर वर्क करेगी। द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियन अंडर द लेनिन लियोन ट्रोटिस्की टू ऑर्गेनाइज द साइजर। और मिलिट्री के रेवोल्यूशनरी कमेटी एक बनाई गई, मिलिट्री के मेंबर्स थे उसमें, और वो सब जो है किनके अंदर, लेनिन ट्रोटस्की के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहे थे कैसे पावर चेंज होने वाला है, कैसे आगे चल के डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इन सभी विषयों पे बात हो रही थी। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, जिस दिन ये सब बातचीत हुई थी वो आज भी वो सीक्रेट है, पता नहीं है किस दिन हुई थी, किस जगह हुई थी। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, लेकिन जो विरोध था वो 24 अक्टूबर को शुरुआत हुई। इसका सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। क्या है, वो डर को देखते हुए, माहौल को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर थे उनने शहर छोड़ दिए थे और ट्रूप्स को बुला दिए थे, सैनिकों को बुला दिए थे। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट साइज द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। अब जो बहुत सारे लोग जो कि सरकार के तरफ थे, सरकार की बातों को मान रहे थे, सरकार के लिए ईमानदार बने हुए थे, उन लोगों ने बिल्डिंग में, दो बड़ी बिल्डिंग जो कि न्यूज़पेपर जहां छपते थे, बोल्शेविक ग्रुप के न्यूज़पेपर छापे जाते थे, वहां पर जाकर के ढावा बोल दिया, अटैक कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेयर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और जो गवर्नमेंट के साथ जो थी उन लोगों ने क्या है अलग अलग जगह पे उनको क्या कहते हैं टेलीफोन टेलीग्राफ और क्या कहते हैं ऑफिसेज में सब जगह प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू साइज द गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स। और जो मिनिस्ट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उनने ऑर्डर किया कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो क्या करें, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घेर लें और जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनको सबको अरेस्ट कर लें, पकड़ लें। लेट इन द डे दिन बीतते बीते द शिप अउरोरा सेल द विंटर पैलेस, अदर वेसल सेल्ड डाउन द नेवा एंड टूक ओवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट। बाय द नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमेटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स वेयर सरेंडर्ड। अलग अलग जगह पर विंटर पैलेस में अटैक हुआ, फिर ठीक है हुआ सब कुछ, सब जगह
तो सेलिंग हुई वहां, गोलीबारियां हुई विंटर पैलेस में और हर जगह कहीं जहां पे गोलीबारियां की गई, और जो मेन मेन पॉइंट्स है मिलिट्री के, सब जगह अब कब्जा किसका हो गया था, सब जगह कब्जा हो गया था, कमेटी का कंट्रोल हो गया था, मिलिट्री कमेटी का कंट्रोल हो गया था, एंड मिनिस्टर हैड सरेंडर, जितने भी मिनिस्टर थे उनने सब ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रोच द बोल्शेविक एक्शन अपराइजिंग टू प्लेस इन अदर सिटीज, देर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाई दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एंड एरियाज। क्या है कि जो मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस की, पूरा समूह इकट्ठा हुआ था पूरे कांग्रेस का जो कि पेट्रोग्राड में हुई, द मेजोरिटी अपोज द बोल्शेविक एक्शन। क्या है, बहुत सारे लोगों ने माना कि हाँ बोल्शेविक जो एक्शन, जो भी कदम उठाए वो सही है। अपराइजिंग टू प्लेस इन अदर सिटीज, कई जगहों पे अपराइजिंग हुए, विरोध हुए, देर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग सरकार को नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद आखिर में बोल्शेविक का कंट्रोल दोनों जगह, मॉस्को में भी और पेट्रोग्राड दोनों जगह पर कब्जा कर लिए। सो हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, 1850 लेके 80 तक डिबेट हुए सोशलिज्म के लिए रशिया में, फिर 1898 में फॉर्मेशन ऑफ रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसका पार्टी का गठन हुआ, 1905 में ब्लडी संडे और उसका रेवोल्यूशन देखा गया। ठीक है, उसके बाद 1917 में 2 मार्च में क्या हुआ, एबडिकेटेड एबडिकेशन ऑफ जार, जार ने क्या है त्याग कर दिया, छोड़ दिया, सत्ता को त्याग दिया। 24 अक्टूबर क्या हुआ, बोल्शेविक अपराइजिंग इन द पेट्रोग्राड, बोल्शेविक ने विरोध किया, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े देखने को मिले पूरे पेट्रोग्राड में, इवन दो पूरे देश में भी। फिर 1918 से लेकर 20 बीच में सिविल वॉर हुए, आपस में लोग लड़ते रहे पूरे देश भर में। फिर 1919 में जाके फॉर्मेशन ऑफ कमिंटर्न का हुआ, और 1929 में जाके बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, जिसमें सभी को एकत्रित करने का काम शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोटो दिखाई गई है लेनिन, जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है राइट लेफ्ट, हाँ ये लेनिन है। ठीक है, दूसरा जो है विथ वर्कर्स ऑफ पेट्रोग्राड, और ट्रोट्स्की जो की है किस साइड है, राइट साइड में है, और ये सब जो है साथ में कौन है, वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं पेट्रोग्राड के। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर, अक्टूबर जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, क्या चेंजेस, स्पेशल चेंजेस, इफेक्ट्स देखने को मिले, कहाँ पर, वहां पे रशिया में क्या चेंजेस देखने को मिले, उन सभी को आइए समझते हैं, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? यस सर, बोल्शेविक वेयर टोटली टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बोल्शेविक जो है पूरी तरह से मानते ही नहीं थे कि हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उनका मानना था कि हाँ सरकारी संपत्ति होनी चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसकी वजह से क्या होता है कि लोग अपना फायदा देखते हैं, वर्कर्स को भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेयर नेशनलाइज इन नवंबर 1970, इसी कारण से जब बोल्शेविक ने कब्जा किया तो ज्यादातर जो बैंक थी और उसको क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज थी, उन सबको सरकारी कर दिया गया, निजीकरण से खत्म करके सरकारी कर दिया गया नवंबर 1917 तक। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टूक ओवर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, इसका ये मतलब था कि अब स्वामित्व तो किसके पास चला गया, सरकार के पास चला गया, और मैनेज करने का काम कैसे क्या काम होगा वो सब भी किसी के पास चला गया, सरकार के पास चला गया। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेयर अलाउड टू साइज द लैंड ऑफ द नोबिलिटीज, और क्या है जो जमीन है उसको अभी तक क्या था वो नोबल्स के पास थी या उनके पास थी, अब उसको क्या है उसको सोशल सोशल प्रॉपर्टी, सामाजिक सामाजिक व्यवस्था में ला दिया गया कि हाँ वो सब सर्व समाज की वो संपत्ति है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कहा गया कि पीजेंट्स को, किसानों को कहा गया जिनकी नोबल्स के पास जो भी जमीन है उसको वो अपने एरिया में ले सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अब वो चीजें देखने को मिली। इन सिटीज, शहरों में बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ द लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, बड़े बड़े घर का विभाजन होना शुरू हो गया घर के जरूरत के हिसाब से, मान लो बहुत बड़ा घर है आपके पास आपके यहाँ लोग उतने नहीं है तो आपके घर छीन के दूसरे को दे दी जाएगा जिसको रिक्वायर्ड है, इस तरह के भी चीजें देखने को मिली।
ठीक है, दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो पहले टाइटल सर, लॉर्ड, किंग ये सब जो दिया जाता था वो सब खत्म कर दिया गया। किसी प्रकार के किसी को टाइटल नहीं मिलेगा, किसी प्रकार को किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। जो टाइटल्स दिए गए थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म वेयर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, सभी परिवर्तनों को लागू कराने के लिए और दिखाने के लिए भी यूनिफॉर्म बदल दिए गए, कपड़े बदल दिए गए किनके, सैनिकों के, ठीक है, उनके डिजाइन बदल दी गई। एंड ऑफिशियल्स, और जो काम करने वाले जो नुमाइंदे थे, जो हेड थे, उन सबको भी चेंज किया गया। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इन 1918 व्हेन द सोवियत हेड वॉज चोजन, एक कॉम्पिटिशन हुआ किसका लेकर के, जो है कपड़ों के लेकर एक कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें सोवियत की हेड को जाके चूज किया गया, उसमें अच्छा माना गया। अब देखिए, अ सोल्जर हैविंग द सोवियत हैट, इसमें देखिए सोल्जर जो है सोवियत हैट पहने हुए है, इसको देखिए, तो आप सोवियत हैट देखना चाहें तो बगल में दिख जाएगा। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, अब बोल्शेविक पार्टी का नाम बाद में बदल गया, जैसे मैं बोला ना कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट आज भी है वहां पे, कहाँ पे, रशिया में, तो फिर उसने चेंज होकर क्या हो गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, बोल्सेविक का नाम बदल दिया गया। इन नवंबर 1917, नवंबर 1917 में द बोल्सेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली का गठन करने के लिए, संवैधानिक असेंबली बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए इलेक्शंस हुए, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, लेकिन उनको लोगों ने मुंह पे तमाचा मारा, ठीक, उनको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, वो जीत नहीं पाए, ठीक है, बहुमत नहीं हो पाया उनके साथ। इन जनवरी 1918, जनवरी 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली, और जो है जनवरी 1918 में जो असेंबली थी उसको रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर, जो भी कदम बोल्शेविक के द्वारा उठाए गए थे उन सबको रिजेक्ट करती थी, क्योंकि भाई सीधी सी बात, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी बोल्शेविक के पास, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के पास, और लेनिन ने डिसमिस कर दिया असेंबली को। लेनिन ने देखा जब ये ऐसा सब कुछ हो रहा है तो उन्हें असेंबली डिसमिस कर दी, भंग कर दी। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन, उनका मानना था कि जो रशियन कांग्रेस थी, रशिया का जो सोवियत समूह पूरा बनाया गया है, वो ज्यादा लोकतांत्रिक है एज कंपेरिजन टू द इलेक्टेड असेंबली की, हाँ, जिसमें इलेक्शन हो करके, इलेक्शन करा करके रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाए, उसके मुकाबले जो है, जो एक रशियन कांग्रेस है, सोवियत संघ जो बना हुआ है, वो ज्यादा ही अच्छा है, ज्यादा ज्यादा सही है, सटीक है, ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, एज कंपेरिजन टू द अनसर्टेन कंडीशन में जो होने वाले इलेक्शन हैं उन पे बात की जाए। इन मार्च 1918, मार्च 1918 में, डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय द पॉलिटिकल एलाइज, द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एंड द ब्रेस्ट लिटोवस्क, क्या है कि 1918 में जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उनके पुरजोर विरोध के बावजूद भी बोल्शेविक ने जो है शांति समझौता साइन किया, किनके साथ, हिटलर के साथ, मींस जर्मनी के साथ साइन किया। इन द ईयर दैट फॉलोड बाय द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, और फिर कुछ सालों में जो है सिर्फ रशियन कांग्रेस जो है, या हम कहें कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक सिर्फ एक अकेली पार्टी बची थी जो कि इलेक्शन लड़ सकती थी, कहाँ पे, जो कांग्रेस ऑफ सोवियत का जो इलेक्शन होता था, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का इलेक्शन होता था, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी लड़ पा रही थी, जैसे कि अभी चाइना में अमूमन होता है, वैसे वहां पे भी हो गया था, सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। रशिया बिकेम एन वन पार्टी स्टेट, अब जो है रशिया एक सिंगल पार्टी रूल वाला कंट्री हो गया, देश हो गया, अब उसमें सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। क्लियर। ट्रेड यूनियंस वेयर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, जो व्यापार संगठन थे उन सबको पार्टी ने अपने कंट्रोल में, अपने हाथों, अपने कंट्रोल में लेकर रखा था, अपने कब्जे में लेकर रखा था। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड द लेटर OGPU एंड NKYD, एक सीक्रेट पुलिस चलती थी जो कि छुप करके, भेष बदल करके लोगों के बीच में रहती थी,
पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्स सर्विस, उन लोगों को सजा दी जाती, जैसे हिटलर ने किया था वैसे यहाँ पे भी कुछ था, ठीक है, उन लोगों को सजा दी जाती थी जो बोल्सेविक के खिलाफ, बोल्सेविक गवर्नमेंट के खिलाफ है उन लोगों के खिलाफ बोलते थे, उन लोगों को पनिश किया जाता था, और वो सीक्रेट पुलिस उन एविडेंसेस या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई करती थी जिनको पनिश किया करना है। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। बहुत सारे लेखक थे, कला में निपुण लोग थे, उनने रैलियां की, टू द पार्टी, पार्टी बनाई, ठीक है, रैली करते करते पार्टी बनाई, क्योंकि वो सोशलिज्म के साथ थे और परिवर्तन चाहते थे। आफ्टर अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 में दिस लेड टू द एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। ये सब कुछ देखने को मिल रहा था, अलग अलग कलाओं में उसकी झलकी देखने को मिल रही थी, इस एक्सपेरिमेंट की झलकी देखने को मिल रही थी। बट मेनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज। लेकिन सरकार ने जो सेंसरशिप लगाया था, जो सेंसर कर रही थी सभी चीजों को, सभी तथ्यों को सेंसर कर रही थी, कट कर रही थी, जो चीजें वो चाहती थी कि हाँ वो ना छपे उनको काट देती थी, उनको छपने नहीं देती थी, उन सभी के कारण आप देखेंगे क्या होगा, वो सेंसरशिप करने की वजह से उनका सबका जो काम था वो सब फेल हो जा रहा था, कुछ इफेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब बॉक्स देखिए, बॉक्स 3, द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड, टू व्यूज। अब यहाँ पे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी देखा जाएगा और उसका देशव्यापी क्या फर्क पड़ रहा था, क्या इफेक्ट हो रहा था उसको भी देखेंगे। न्यूज ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25, 1917 रीच द विलेज द फॉलोइंग डेज द एंड वॉज ग्रीटेड विथ एंथुजियाज्म टू द पीजेंट, इट मीन फ्री लैंड एंड एंड ऑफ वॉर। क्या हुआ, नए रेवोल्यूशनरीज के परिवर्तन का, जो अक्टूबर 25, 1917 में गांव में लोगों के पास ये खबर पहुंचने लगी, और वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ी बात थी कि उनको जमीन मुफ्त में मिल रही थी और युद्ध का समापन हो रहा था। द डे न्यूज अराइव्ड द लैंड ओनर्स मैनर्स हाउस वॉज लूटेड। जिस दिन ये खबर पहुंचती है, जो जमींदार थे उनके घर को लूट लिया गया, जो लैंडलॉर्ड थे उनके घर को लूट लिया गया। हिज स्टॉक फार्म्स वेयर रिक्विंस्टासन एंड हिज वेस्ट ऑर्चर्ड वेयर कट डाउन एंड सोल्ड टू द पीजेंट्स फॉर वुड। क्या है, फिर उनके जो जो फूड स्टॉक्स लगाए थे, खाने का इकट्ठा ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखे थे, उन सभी क्या किया गया, उन सभी को जो है लोगों ने लूटा और क्या कहते हैं बेच दिया, सभी के बीच में बेच दिया, ठीक है। और साथ ही साथ जो उनके बड़े बड़े बागान थे, बागीचे थे, वहां पे जा करके पेड़ को काट डाले, ठीक है, एंड सोल्ड टू द पीजन फॉर वुड, और किसानों को बेच दिया लकड़ियों के लिए। ऑल हिज फार बिल्डिंग्स वेयर टर्न डाउन एंड लेफ्ट इन रूइंस व्हाइल द लैंड वॉज डिस्प्यूटेड अमंग द पीजेंट्स हु वेयर प्रिपेयर्ड टू लिव द न्यू सोवियत लाइफ। और जितने भी बिल्डिंग्स थे उन सबको तहस नहस कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, जैसे उजड़ गए थे वो घर, और जो बचे हुए जमीन थी वो जमीन उन सभी किसानों के समक्ष में बांट दिया गया, जो किसान क्या चाहते थे, वो जो किसान चाहते थे परिवर्तन चाहते थे, जो किसान बोल्शेविक के साथ थे उन सब के बीच में बांट दिया गया। अ मेंबर ऑफ लैंड ओनिंग फैमिली रोड टू द आर रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड एट द स्टेट। एक लेटर लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये एक जमींदार के द्वारा लिखा गया है, अपने रिश्तेदार को उसने एक खत लिखा है कि क्या हो रहा है उसके देश में, क्या दिक्कतें आ रही हैं। द कुप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली। द फर्स्ट डे वॉज अनबियरेबल। मैखेल मिखोलवेक द स्टेट ओनर वॉज क्लेम द गर्ल ऑल्सो। आई मस्ट से द चेयरमैन बिहेव करेक्टली एंड इवन पोलाइटली। We were left two cows and two horses. The servant tell them all the time not to bother us. Let them live. We watch for their safety and property. We want them treated as humanly as possible. There are rumors that the several villages are trying to evict the committees and return the estate of Mikhail Mikhailovich. I don't know if this will happen or if it's good for us, but we rejoice that there is a conscience in our people.
क्या है कि जो बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बहुत सारे जानवर जो बचे थे उनके पास, वो चाहते थे कि उनके साथ सही तरीके से बर्ताव हो, लेकिन जब लूट मार हो रहा था कोई वहां देख नहीं रहा था कि हाँ उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने अब पहले पढ़ा है, जो लैंड ओनर्स थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। ठीक है, अब उनने क्या किया, अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ने गलती की, हमारे इंडिया में क्या है, अब फैमिली पनिशमेंट थोड़ी ना है कि हम मतलब कोई अगर किसी घर में एक व्यक्ति अगर चोर है तो पूरा घर चोर हो जाएगा, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। तो उस तरह से अगर किसी ने गलत किया है तो आप चेंजेस लाइए। ठीक है, अफ्रीका में क्या, अफ्रीका में जो वाइट्स थे कितना ज्यादा बुरा बर्ताव किए थे। ठीक है, वाइट्स ने थोड़ा बहुत बर्ताव बुरा किया था, नेल्सन मंडेला जैसे लोग की पूरी जिंदगी जेल में बीत गई। ठीक है, बहुत सारे जो ब्लैक्स थे वो मतलब कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि नेल्सन मंडेला जैसे सत्ता में आएंगे वैसे ही सब व्हाइट्स को 10% व्हाइट्स को गोली मरवा देंगे या भगवा देंगे या लूट मचवा देंगे। नहीं, उनने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें ना क्या कहते हैं किसी का शोषण ना हो, क्योंकि जब ब्लैक्स का शोषण हुआ तो उनको नहीं पसंद था, तो व्हाइट्स के साथ वैसा होगा तो उनको भी नहीं पसंद होगा। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एक साझा सरकार चलाई गई। ठीक है, इससे क्या हो सके, जो ये तरह तरह के बवाल बन रहे हैं, तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, वो सब खत्म हो सके। क्लियर, सिविल वॉर, गृह युद्ध शुरू हो गया। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर द लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बोल्शेविक ने ऑर्डर किया कि जमीन को पुनः बांटी जाएगी सबके समक्ष, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्ट इट। अब होड़ मच गई, हमें भी जमीन चाहिए। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, जो सोल्जर्स थे वो कौन थे, जब आपकी 85% जनता जो है वो किसान है। ठीक है, तो सोल्जर भी उसी में उसी के उन्हीं के परिवार से तो आएंगे, तो वो सब चाहते थे कि सब कुछ आर्मी टूटने लगी। ठीक है, वो भी चाहते थे कि हाँ हमें जो है हमें भी जमीन चाहिए, और वो घर घर भागने लगे सभी लोग छुट्टी लेकर कि हाँ हमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अब कहीं प्रसाद बट रहा होगा। ठीक है, कहीं प्रसाद में छेना बट रहा होगा तो कोई छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ना। वैसे ये बताओ, जमीन बट रही है, आजकल जमीन के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, वहां जमीन बट रही वो सोल्जर्स छोड़ देंगे। सोल्जर्स भाई सब सैनिक छुट्टी ले ले करके नहीं, नौकरी छोड़ छोड़ करके जा रहे थे रिडिस्ट्रीब्यूशन कराने। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। जो बोल्शेविक के खिलाफ थे, मिस कम्युनिस्ट विचारधाराओं को पर सपोर्ट नहीं करते थे, चाहे वो सोशलिस्ट हों चाहे वो लिबरल हों, इन सब के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, उन सभी ने क्या है इन सभी चीजों को कंडेम किया, बोला गलत बताया, और क्या है बोल्शेविक जो के साथ जो अपराइजिंग हो रही थी, ठीक है, उसको कंडम कर रहे थे, उनके विरोध में थे। देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक। क्या है, उनके नेता जो है साउथ रशिया में गए, वहां पे एक टुकड़ी बनाए जो कि बोल्शेविक या रेड के खिलाफ लड़ेगा। ड्यूरिंग 1918 एंड 1999, 1918 से लेकर 1919 तक जो ग्रीन थे वो थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, व्हाइट थे जो प्रो जारिस्ट थे, जो चार को सपोर्ट करते थे, मींस के जार निकोलस सेकेंड कौन था, कौन था वहां, कौन था जार निकोलस सेकेंड वहां के रूलर थे ना, तो बहुत सारे लोग जार को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो व्हाइट्स थे, ग्रीन जो थे वो थे सोशलिस्ट को सपोर्ट करने वाले, रेड थे वो बोल्शेविक थे, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। ठीक है, 1918 से लेकर 19 तक जो ग्रीन और व्हाइट थे, मीन्स के जारिस के सपोर्टर्स थे और जो सोशलिस्ट के सपोर्टर्स थे, ज्यादातर एरिया में उनका कंट्रोल बन गया था, दबदबा बन गया था। देवर बैक बाई द फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। उनको आर्थिक और क्या कहते हैं आर्मामेंट्स की मदद कौन पहुंचा रहा था, फ्रांस पहुंचा रहा था, अमेरिका पहुंचा रहा था, अंग्रेज पहुंचा रहे थे, ब्रिटिश पहुंचा रहे थे, जापानीज के ट्रूप्स थे, वहां से आर्थिक मदद उन लोगों को मिल रही थी, इनको सोशलिस्ट और वाइट्स प्रोजारिस्ट, क्योंकि वो ये सब देश वो चाहते थे कि हाँ ये कम्युनिस्ट ना आ पाए, क्योंकि कम्युनिस्ट आ जाने से सबसे बड़ा नुकसान किसको है, पूंजीपतियों को। क्लियर, तो नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट आए। ऑल दोस फोर्सेस हु वेयर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, जितने भी फोर्सेस थे वो सब डरे हुए थे कि किस तरह से रशिया में तो किस तरह से डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, सोशलिज्म कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फाउट अ सिविल वॉर, लूटिंग
बैंडिट्री एंड फैमाइन बिकेम कॉमन। इन ट्रूप्स ने क्या किया, बोल्शेविक के खिलाफ युद्ध लड़े, बोल्शेविक फाउट ऑफ सिविल वॉर, इसीलिए बोल्शेविक। और एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक, ये सभी ट्रूप चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ग्रीन हो, और बोल्शेविक सब युद्ध लड़े, गृह युद्ध छिड़ा, लूट मार हुई, लोगों को मारा गया, चलाया गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, डकैती एक तरह से हुई, लोगों को लूट दिया गया, दिन दहाड़े मार दिया गया, ठीक है, जो भी आप क्राइम समझ सकते हैं वो सारे क्राइम्स हुए थे, इवन दो रेप्स, ऑल दोस थिंग्स, एंड फैमिन बिकेम कॉमन। और फिर भुखमरी तो ऐसा लगता था कि जैसे इंदिरानगर की बिजली आ जा रही थी ना, वैसे ही वो भुखमरी भी है, ठीक है, लोग मर रहे हैं इधर उधर मर रहे हैं, ठीक है। वुमन आजकल देखो ना किस तरह से, कितना अच्छा लाइट सपोर्ट, 10 मिनट रहती है, आधे घंटे नहीं रहती, फिर 10 मिनट रहती है, फिर आधे घंटे नहीं रहती, कितना अच्छा टाइमिंग देखो, कितना अच्छा है, 10 10 मिनट के लिए आपको हवा खिला देती है, फिर आधे घंटे में जो पसीना आता है उसको सुखवाने के लिए फिर आधे घंटे 10 मिनट के लिए लाइट आ जाती है। अमूमन ये पूरे रायबरेली शहर का भी यही हाल है, सिर्फ इंदिरा नगर का नहीं, क्योंकि अभी तो मैं अभी अक्षत से अभी रिसेंटली जब बात कर रहा था तो बताया सर सुबह हो अभी तक लाइट नहीं आई, हमने कहा अच्छा, कहे हाँ सर अब अभी आज सुबह क्लास तो नहीं ले पाएंगे, शाम को करेंगे, हमने कहा क्यों बेटा, कहे यहाँ सर लाइट नहीं आई सुबह से, हमने कहा अरे बाप रे, चलो ठीक, सपोर्टर ऑफ प्राइवेट, अब देखिए सब बवाल चल रहा था, सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द वाइट्स टू खास स्टेप्स विद द पीजेंट्स हु हैड साइज द लैंड। सपोर्टर जो थे जो कि निजी संपत्तियों को सपोर्ट करते थे, चाहते थे निजी संपत्तियां हों, जो कि गोरों में थे वाइट में थे, उनने बहुत सारे गलत कदम उठाए, किसानों के साथ बहुत सारा बदसलूकी की, ठीक है, जमीन जो लोगों ने जिन किसानों ने छीनी, सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक। और ये सब करने की वजह से जो एक बहुत बड़ा एरिया जो सपोर्ट करता था नॉन बोल्शेविक को, बोल्शेविक के खिलाफ था, अब उस वो जो है सपोर्ट किसको करने लगा, बोल्शेविक को सपोर्ट करने लगा, क्यों, क्योंकि किसान 85% है, अगर किसान के ऊपर अटैक होगा तो बहुत सारे लोगों की इमोशनली जो है वो अटैच्ड है किसानों के साथ, वो खिलाफ चले जाएंगे। बाई जनवरी 1920, जनवरी 1920 में द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, दे सक्सीड ड्यू टू द कॉपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड द मुस्लिम जेडिस्ट, ठीक है। अब क्या है, जो है बोल्शेविक ने फिर अपना कंट्रोल पूरे देश के ज्यादातर हिस्सों में कब्जा कर पाए, क्योंकि उनको सपोर्ट किससे मिला, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे बाहर के, मुस्लिम जिहादिस्ट थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया था, अच्छा खासा हेल्प किया था किसको, बोल्शेविक को फिर से कब्जा करने में। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक, जो कॉपरेशन जहाँ पे काम नहीं कर रहा था, जहाँ पे रशिया के जो कॉलोनिस्ट थे, कॉलोनी के लोग थे, वो बोल्शेविक के खुद कन्वर्ट हो जा रहे थे, चेंज हो जा रहे थे। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, जो बोल्शेविक के कॉलोनी के में रहने वाले लोग थे, उनने वहाँ के जो देश के लिए डिमांड कर रहे थे, एक नेशन के लिए डिमांड कर रहे थे, उन लोग को सबको मारा जा रहा था, ठीक है, बड़े लेवल पे लोगों की हत्या की जा रही थी, ये कहते हुए कि हाँ हम सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। इन दिस सिचुएशन मेनी वी आर कंफ्यूज अबाउट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, अब वो बहुत से लोग कंफ्यूज थे, बोल्शेविक एक तरफ कहते हैं कि हाँ हम जो है कम्युनिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं 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 हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं सोशलिज्म को, ये सब भी देखने को मिला। पार्शली टू रेमेडी दिस मोस्ट ऑफ द नॉन रशियन नेशनलिस्ट वेयर गिवन पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी इन द सोवियत यूनियन यूएसएसआर, द स्टेट बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922, बट सिंस दिस वॉज कंबाइंड विद द अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ बोल्शेविक्स, फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, अटेम्प्ट्स टू विन ओवर द डिफरेंट नेशनलिस्ट वेयर ओनली पार्टी सक्सेसफुली। क्या है कि अब जो है कहीं ना कहीं जो कई खंड थे, ठीक है, उन सबको जोड़ करके यूएसएसआर बना, उसके बाद वहां पे भी कहीं ना कहीं दबदबा किसी का चल रहा था, वो चल रहा था रशियन बोल्शेविक पार्टी का चल पा रहा था, वही एक सिंगल पार्टी थी जिसका रूल अच्छा खासा हमें देखने को मिला, क्लियर।
हेलो। यस ठीक है, तो अब जो है सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन, टू व्यूज, और यही सब देख लेते हैं दोनों, ऊपर और नीचे का पैराग्राफ। उसके बाद मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, इसको नीचे देखेंगे, मतलब कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे क्योंकि कल तो क्लास है नहीं। एम एन रॉय वॉज ए इंडियन रेवोल्यूशनरी, ठीक है, एम एन रॉय जो कि भारत में परिवर्तनकारी थे, अ फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, और मैक्स मार्क्स के कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से प्रेरित थे, और इसीलिए मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की, एंड प्रोमिनेंट कॉमिंटर्न लीडर इन इंडिया, चाइना एंड यूरोप, और अच्छे खासे लीडर थे कहाँ पे, इंडिया, चाइना और यूरोप में। ही वॉज इन सेंट्रल एशिया एट अ टाइम ऑफ सिविल वॉर, जब गृह युद्ध हो रहा था तो सेंट्रल एशिया में थे। 1920 में ही रोट, उन्हें लिखा, अ चीफ्टन वॉज बेनेवोलेंट ओल्ड मैन, ही अटेंड अ यूथ हु स्पोक रशियन, ही हैड हर्ड ऑफ द रेवोल्यूशन विच हैड ओवरथ्रोन द जार एंड ड्राइवन अवे द जनरल हु कंकर्ड द होमलैंड ऑफ किर्गिज। सो द रेवोल्यूशन मीन द किर्गिज वेयर द मास्टर ऑफ देयर ओन होम अगेन, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन शाउटेड द किर्गिज यूथ हु सीम टू बी बॉर्न होल सेल्फ, द होल ट्राइब ज्वाइन। क्या है, वो एक लेटर लिखते हैं, उसमें दिखाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशन के बारे में वो सुने हैं, रेवोल्यूशन हुआ है, रेवोल्यूशन में क्या हुआ है कि जो जारिस्ट थे उनको, जारिस्ट को हटा करके किर्गिज जो एक ग्रुप था उस उनका जो है, जिनको बोलशेविक कहा गया, उनका फिर से शासन शुरू हो गया, और उनको बहुत सारे ट्रूप सपोर्ट करे। द किर्गिज वेलकम द फर्स्ट रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, किर्गिज पहले रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे से वेलकम किए विद जॉय, खुशी के साथ, एंड द सेकेंड रेवोल्यूशन विद कंसेंट्रेशन एंड टेरर। दूसरा रेवोल्यूशन था उसमें वो डरे हुए थे, फर्स्ट रेवोल्यूशन फ्रीड देम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द जारिस्ट। पहले रेवोल्यूशन में तुमको जार जो सप्रेस कर रहा था उससे वो आजाद हुए, ठीक है, और मजबूत हुए, और उनकी आशाएं बढ़ गई कहीं ना कहीं अब परिवर्तन आएगा। लेकिन जो दूसरा रेवोल्यूशन था, अक्टूबर रेवोल्यूशन, वॉज अकमेंट बाय वायलेंस, प्लेस एंड टैक्सेस, उसमें बहुत सारी लड़ाइयां हुई, लोग मारे गए, टैक्सेस लगाए गए, और एक डिक्टेटरियल पावर आ गया जिसमें बोलशेविक कहा गया। वंस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टजारिस्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑप्रेस्ड द किर्गिज, नाउ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल प्रोट्यूड द सेम रिजाइन, ठीक है। अब एक छोटा सा ग्रुप था जो जार की तरफ सपोर्ट करता था, और किर्गिज लोग थे उनको ना परेशान करता था, नुकसान पहुंचाता था, अब वही सेम ग्रुप फिर जो है कहीं ना कहीं शासन में आ गया, और फिर से उनके साथ नुकसान कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, क्लियर। तो 4.2 है मेकिंग ऑफ द सोशलिस्ट, ये जो है कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अनुष्का और अनुभव वीडियो देख लीजिएगा, और हो सकता है इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि वेंसडे और थर्सडे फ्राइडे 2 दिन क्लास रहेगी, तो होपफुली खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, और नेक्स्ट मंडे से जो है मैथ्स स्टार्ट करेंगे लाइव। ओके ओके ठीक है, यस सर, ओके, गुड बाय बाय सर। बाय।